खूब सारा फूल हो गया, रेड वाला, वाइट वाला, कभी कभी बहुत कम मिलता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ फ्रेंड। और देख सकते हैं आज बहुत अच्छे अच्छे फूल में तोड़ी थी सुबह, तो फूल को मैं रख देती हूँ और बना देती हूँ बच्चों के लिए कुछ नाश्ता, क्योंकि आज भैया को जल्दी जाना है। तो ये है बेसन आटा और हल्दी नमक मिर्ची डाल के मैंने घोल के रख दिया था जब तक मैं फूल तोड़ रही थी। तो अब मैं इन लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। मेरे हिसाब से तो 7 करोड़ जीत के जाना चाहिए। प्रचार करें अवन चिटिंग करें तैयार हो गए। नहाए नहीं, यहाँ पर सब नाश्ते की तैयारी हो गई और ये अभी नहाए ही नहीं। अभी ये मिक्सी में ही है, जल्दी नहाओ। हाँ 50 है ना, अब तक ही ली जाए, ढूंढे लागा सबको नहीं मिलता। आज तो हस्बैंड जी ने पूजा कर दी, कान्हा जी कपड़ा देखे कैसे पहनाए हैं, चलिए इनको मैं ढंग से कपड़ा पहना देती हूँ और फिर पूजा मैं भी कर लेती हूँ नहा वाली। थोड़ा आज लेट हो गया नहाने में। रहता उसी में चाय बना लेते हैं। अच्छा। ना इससे बर्तन की भी बचत हो जाती है और टाइम का भी। वाह भाई वाह, क्या बना रही है भाई बिटिया रानी तो। ओ, 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 ओ। खा लो खा लो, अब खाती बराबर रहेंगे। रुके ना नहीं मुँह, एक मिनट अबे मैं चीनी डाल दूँ। चीन का गिराऊ करता है, सिर्फ खाते हैं, सिर्फ खाते हैं बस। खाता रहता तो और क्या, इंसान छुट्टी लेता है किस लिए? खाने के लिए, सही है। भैया इतनी जल्दी ली गए, बेसन थोड़ा सा बेसन है आटे का, जल्दी बन जाता ना भैया, जल्दी जाए करो। खाबो नहीं हुए ना, देखो बढ़िया बनने लगा ना, पहले नहीं बनता। तो और क्या, अब आसान रहा था पूरी पराठा फूट सब। अरे बहुत बढ़िया, नहीं बना दिन फाइट चला गया। मम्मी चाय लाते हैं ना। हाँ तो ना लेंगे ना, आप बतावे लेंगे नहीं मना ना लड़ पिता तू तेरे पापा को मना है तो नहीं का रामायण के चक्कर में आ रहे हम लोग सिलाई के लिए देने ना। चलिए चलते हैं तो फिर आप सबको दिखाते हैं। तो नाश्ता सबका हो गया है, अब ये सारे बर्तन मैं धुल लेती हूँ और किचन थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ और फिर तैयार हो जाती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तब तक मैं दाल चावल भी बना देती हूँ ताकि आने पे खाना बना रहे। वो करना तो साफ कर देना, टिश्यू पेपर से लगा के रख देती हूँ ना इसी वजह से। हाँ तो इसको मैं ले जाऊँ। प्रेस जरूर। मानी की बोल 210 रुपए की थी, उसको 127 का दिया है। क्लिप लगा ली, सही हो गया, निकल गया था। देखो मटका रही है मुझे, पीछे से क्यों मटका रही हो, सामने आके मिटकाओ। जरूरत है तुम ले लो, तो दे दो। क्या पैसा? पैसा नहीं मिलेगा, मांगती रहती है अभी पैसा। इतनी दूर में मार्केट जाना भी बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ी बात है कि बड़ा बात है? सब गलत बात है। नहीं मेरा है, मैं पहनूंगी आज, मैं जूता ही दी हूँ। नहीं पहन सकती, रबड़ भी ले ली, अब मेरा जूता भी। मोरी जिंदगी में टेंशन आ गई बा, मोरी जिंदगी में टेंशन। नहीं नहीं गंगा मैया। हाँ हाँ।
सही बात, इधर घूम के बस अच्छा है, उधर से निकल। तो आगे टेलर के यहाँ इनको दे देते हैं कपड़ा और नपवा देते हैं, और फिर मैं चलती हूँ, देखती हूँ अभी थोड़ा सा और काम है मार्केट में। और ये आप सब जानते हैं कि मैं किस टेलर के यहाँ देने आई हूँ, अगर जिसको जिसको पता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये मैं आप लोगों को हिंट दे दे रही हूँ, तिलियागंज प्रयागराज में। तो किस टेलर के यहाँ दी हूँ प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। खुला कहाँ, किस स्कूल में? महास पतंजलि तेलियरगंज स्कूल में। और मिल अपने फ्रेंड से, कैसे अंतर करना मुझे नहीं आता। कई बार करे तो रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा सी लिए है ना ये मैम का। हाँ ऐसे ये मैम इनकी फ्रेंड की नाश्ता भैया। आज हम आए हैं कॉलेज में घूमने और मिले लोगों से। बस भैया आए नहीं अंदर, मैं बुलाई। हाँ बोले तो हम क्या करेंगे, सब अपना जो सिखाते हैं कि लड़कियाँ रोजगार करें। लड़कियाँ रोजगार करें सही है, अच्छा है। तो कब बारी आएगी बिटिया का? कल कटिंग कर। नमस्कार, उसका गला मस्त लग रहा है ना, गला इसी में बना। अच्छा हाँ इसी में रहा होगा, पीछे में बनाई हूँ। इधर कुछ मिलता नहीं रहा, पलाज है या खड़ा रहे। वाह हूँ फुलवार के मैडम जाके घर फोटो खींचा, नीचे तो देखा घूम रहे हैं। ये देखिए कॉलेज कितना सुंदर है ना, कलर टाइम हो गया है ना। हाँ नहीं अब हम वीडियो बनाते और ऊपर से बुरा हाथ खुला और यह इतना हाथ खुला। चलिए चले तो इतनी धूप में ऐसे तो कोई बाहर निकलेगा नहीं। तिनको देना था टेलर को कपड़ा और मुझे भी देना था सिलाई के लिए। अभी सही हो गया मौसम, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छांव। वापसी घर की, स्कूल स्कूल कुछ नहीं। दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा हरा हरा हुआ है इस समय, बहुत दूर है यार ये तो। एक ही गेट ये है, बस घूमे जा रहे हैं हम लोग, घूमे जा रहे हैं। अब यहाँ पर रुक के पी लेते हैं थोड़ा सा नारियल पानी।
तो सो गई थी क्या? जग रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया हमको आज तुम्हारे पापा। स्कूल एक अभी सिलाई कर सिलती हैं सूट कहीं की, अभी हफ्ता तक सिलती रहेगी। प्याज बहुत जोर से लगते हैं। अच्छा बाहर चाहे जितनी चीज़ें खा लो, जब तक घर का खाना ना खाओ लगता है कुछ खाया ही नहीं। तो यहाँ पर हम खाना निकाल देते हैं उनके लिए, मेरा खाना चलिए मैं खा लेती। तो खाना खा के हम लेट गए थे और उठे तो ये दूध हम गर्म कर रहे हैं, और ये देखिए थोड़ा पनीर टाइप है तो इसको खुजरी बोलते हैं, आज हमारे दूध वाले दिए थे। समझ लीजिए इतनी धूप लग गई थी सो गए थे, तो अभी उठी तो मैं गरम कर रही हूँ, टाइम हो रहा है 4। तो इसको गरम करके बस इसमें गुड़ डाल देंगे, देखिए पूरा फट गया जैसे पनीर टाइप, इसको खुजरी बोलते हैं। तो जिस तरह होता है गुड़ के बना दो बहुत अच्छी। अभी ये बहुत अच्छा फट जाएगा, फट गया ना। ज्यादा मीठा ना नहीं, कभी नहीं बनेगी इसकी रबड़ी। देख नहीं रही हो कितना गाढ़ा है इसका, रबड़ी नहीं बनेगा। अब भाई को भी मोबाइल देखो ना, एक कटा हुआ पीला के डाल, बर्बाद है पूरा, बर्बाद बन। आधे दूध का मैंने गुड़ डाल के बना लिया और आधा दूध मैं निकाल के रख दे रही हूँ, इसको दूसरे दिन बना दूंगी। और दूध वाले ज़्यादा दे दिए थे, बोले कि भाभी खा लो। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कौन कौन खुजरी खाया कौन कौन नहीं, कमेंट में बताइएगा आप सब। और फिर ये शाम तो हो ही गई थी, 4 बज रहा था, चाय हम लोग पिए नहीं, तो ये गए थे हस्बैंड जी टहलने, तो लाए थे बर्गर और ठंडा भी लाए हैं। तो अब हम लोग ठंडा पियेंगे और बर्गर खाएंगे, तो आप सब भी आइए इंजॉय करिए। आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे हस्बैंड जी घुमाए, मुझे खुद भी नहीं पता।